अभी हम बिहार के समस्तीपुर में हैं और हमारे साथ एक ऐसे संत महंत मित्रों जो मनीष कश्यप के समर्थक के साथ साथ प्रशंसक भी हैं। बस इतना कहेंगे कि ये तुलसी की माला पहनते हैं और 14 किलो तुलसी की माला पहनते हैं और मनीष कश्यप का समर्थन भी करते हैं। मैं इनसे जानूंगा कि मनीष कश्यप का समर्थन आखिर क्यों करते हैं, मनीष कश्यप के ऊपर NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है वो क्यों लगाया गया है और क्या लगाना मनीष कश्यप के ऊपर जो है सही है रासुका जैसी धाराएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष कश्यप को कहा जा रहा है कि वो दो राज्यों के बीच में लड़ाने का काम किए हैं, तो क्या मनीष कश्यप दो राज्यों को लड़ा सकते हैं? और अगर ये संत हैं महंत हैं तो मनीष कश्यप का संत और महंत किस प्रकार से समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप बिहार के लिए लड़ते थे, तो बिहार के लोगों का यह दायित्व और फर्ज बन जाता है कि वो मनीष कश्यप के लिए उनके बुरे दिन में आज खड़े रहे। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि यह एक भूतपूर्व सैनिक है और मनीष कश्यप के पिताजी भी एक सैनिक है, उनके दादा भी एक सैनिक थे, तो समझ में ये बात समझिए कि ये सैनिक है और उनके पिता की पीड़ा भी ये ढंग से समझ सकते हैं। मनीष कश्यप को जो है राजद्रोही बता दिया गया है। मनीष कश्यप राजद्रोही है हाँ या ना? नहीं, राजद्रोही नहीं है। तो उसको राजद्रोही बना किसने दिया? ये भय हो गया इन लोगों को। हाँ। इन लोगों को भय हो गया। इन लोगों का प्लान क्या था कि इनको पता था जब मैं हारूंगा अपना कीर्ति से। हाँ। तो इन्होंने सोचा कि ये जमीन का जो भ्रष्टाचार है, जमीनी हकीकत जो मनीष कश्यप उजागर कर रहा है। हाँ। तो ये 24 में इलेक्शन आने वाला है। हाँ। तो ये सोचे तब तक घुमा फिरा करके इसको जेल में, ने तो बताइए मनीष कश्यप जो सत्यता दिखाते थे, जो घूम घूम कर आम जनमानस की बात करते थे, उससे लोग डर गए क्या? मैं दिल्ली में रहता हूँ, मंदिर हमारी यहाँ है बिहार में समस्तीपुर जगत सिंह प्रोग्राम। हाँ। लेकिन मैं जानता हूँ कपिल सिब्बल जी को। कपिल सिब्बल जी उसके खिलाफ, एक गरीब पत्रकार के खिलाफ कपिल सिब्बल जी खड़ा हो गए सुप्रीम कोर्ट में। क्यों क्यों खड़ा हो गए? तो यही घुमा फिरा करके उसको फंसाए रहो। हाँ। जब तक इलेक्शन हो निकले नहीं। हाँ। ये षड्यंत्र सरकार का था और मनीष कश्यप को ये दर्द था। जमीनी में जहां जहां गया वहां वहां देखा भ्रष्टाचार, इसलिए उठाया इस चीज को। हाँ। उठाया क्यों? जो बिहार का रहने वाला है, हकीकत इसको बिहार से प्रेम, क्योंकि वो सत्ता का लालची था नहीं। हाँ, उसको सब पता था बिहार के लोगों को कहां परेशान किया जाता है। और सत्ता जो है ऐसी फिर भी कोल से चिपक जाता है जो बस छूटने का नाम नहीं लेता है, वो सोचता है सत्ता से ही विकास होगा। लेकिन हमारे बिहार में सत्ता जो है वो कमाने का साधन है। सत्ता कमाने का साधन है। इसके खिलाफ मनीष कश्यप था। हाँ। तो इन लोगों ने षड्यंत्र रचा। लेकिन मैं जो अनुभव किया हूँ 85 साल तक उम्र में, बहुतों मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से मैं देख रहा हूँ कि जनता जो है वो किसी को बकसता नहीं है। हाँ। जनता समय पर इंतजार करता है और समय आने पर जनता फैसला सुना देता है। तो ये सत्ता के नशे में चूर हैं। हाँ। और इनको जनता जो है से मजा चखाएगा। आपको लगता है कि जनता जाग गई है मनीष कश्यप के लिए, वो आवाज उठाएगी, आंदोलन करेगी? जनता देखे नहीं कि मनीष कश्यप के लिए कितने जनते शांतिपुर प्रदर्शन किया। हाँ। रोड पर उतर गया। हाँ। और सबसे अभी उसका टेलर देखिए धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ। इन लोगों ने विरोध किया। हाँ। कि प्लेन में से उतरने नहीं देंगे, वापस कर देंगे। हाँ। कोई कहता है जेल में डाल देंगे, कोई कहता है ये कर देंगे। हाँ। लेकिन इतनी पब्लिक जुटा जो जगह नहीं था वहां रहने का। तो ये ट्रेलर दिखाया ना, जनता जाग चुका है। मतलब लगता है कि जनता जाग गई और मनीष कश्यप के साथ साथ हक की आवाज उठाना सीख गई। ये जनता पढ़ी लिखी है, बिहार की जनता पढ़ी लिखी है, वो सब समझ रहा है। आपको क्या लगता है मनीष कश्यप ने सच में दो राज्यों को लड़ाने का प्रयास किया है? वो कुछ नहीं किया है। इससे पहले दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, ये सब चलाया है, न्यूज चैनल अमर उजाला, हिंदुस्तान, ये सब चलाया। और मनीष कश्यप का मैं देखा हूँ न्यूज, उसने ये कहा कि सरकार को इसको सत्यता परखना चाहिए। हाँ। जांचना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ? रासुका
किस पर लगाया जाता है, क्यों लगाया, जो सिलेंडर किया न अपना भेष बदला, न रूप बदला, न दाढ़ी बनाया, न पेंट बनाया, इधर सिलेंडर किया। अगर वो बदमाश होता तो सिलेंडर करता जा करके। आप एक फौजी थे और इसके बाद जो है मनीष कश्यप के भी पिताजी एक फौजी हैं, फौज में हैं, देश की सेवा बॉर्डर पर रहकर करते हैं। एक बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसका बेटा जो है जेल में बंद हो, वो भी बिहार की जेल में नहीं तमिलनाडु की जेल में बंद हो। आप समझिए, ये ना पढ़े लिखे, न इनके पास कोई डिग्री है, न उद्योगपति है, न कोई अच्छा सर्विस किया है, इतना धन कमा लिया इन्होंने। मनीष कश्यप तो यही कहा जे ये सोने के चम्मच से खाते हैं, यही इनको मिर्ची लग गया, तो ये क्या जानने गया जे गरीब क्या होता है। ये तो अमीरी में जिया, अमीरी में पैदा हुआ, पैदा होते ही अरब अरब रुपया दौलत इनके पिता लालू यादव जी ने बटोर के रख दिया कि खाओ भोगो। हाँ। अच्छा, क्या लगता है कि मनीष कश्यप ने जो कह दिया था कि हम जेल जिस दिन जेल से निकलेंगे उसके 180 दिन बाद सरकार गिरा देंगे, यही चीज तो उनके लिए घातक नहीं हो गई? तो गिरा तो दिया, गिरा तो दिया, गिरा हुआ है क्या है। ये आप समझिए, जो जनता जो है ईवीएम का इंतजार कर रहा है। आप देखे नहीं, ये तो ट्रेलर देखे होंगे आप, बिहार के जनता को उबाल मार रहा है दूध के जैसे उबाल, जब कब इलेक्शन आए मैं लगाऊ मोहर, गिरे तो है ये। मतलब आपको लगता है कि जो है जनता बिहार की जाग चुकी है, उसको पता है कि बिहार के लोगों को यानी बिहारियों को कहां कहां प्रताड़ित किया जाता है, वो अब अपना हक जरूर मांगे। वो ऐसा है, मैं साधु संत आदमी हूँ, न मैं किसी जात का हूँ, न किसी पार्टी का हूँ, लेकिन साधु संत का सत्ता होता है धर्म, सत्य। मैं सत्य देखता हूं और हमारी उम्र काफी हो गई, मैं देखा हूं ये बड़े बड़े मीडिया वाले ने फेक न्यूज बनाते हैं लेकिन वो चलाते नहीं। अभी आपने देखा होगा कि फेक न्यूज चला दिया क्या कि मनीष कश्यप अब 1 साल जेल में रहेगा, क्यों? हाँ, राज्यपाल ने मोहर लगा, राज्यपाल ने मोहर लगा दिया। आप सुना होगा राज्यपाल का जो बयान आया, कहा जा हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं, तो क्या वो फेक न्यूज पर चलाया इन लोगों ने केस? उनके ऊपर केस कब होगा, ये सवाल है ना, करेंगे नहीं ये। इनको तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया था मनीष कश्यप के भ्रष्टाचार को उजागर करने से, ये तो व्याकुल हो गए थे। मनीष कश्यप ने बिहार में घूम घूम कर इतना भ्रष्टाचार उजागर किया कि लोग बौखला गए थे। आप देखिए उसके परिवार को जाकर के चौकट केवारी बेड बिस्तारा क्या दशा है, उसकी माँ रोती है, उसकी भाई रो रहा है, है? एक साधारण कांस्टेबल सिपाही फौज का कितने कमा लेता होगा। देखिए उसके पैसे सीज कर दिए, जो बैंक में पैसा है वो इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देता है, वो कैसे चोरी हो गया कि सीज कर दिया, कहाँ से लाया। इन लोगों ने 800 करोड़ पैसे जमा कर लिया, ये लोग नहीं बताया। और जब इनको खोज रहा है तो कह रहा है जी भैया हमारे पीछे मोदी पड़ा है, हमारे पीछे भाजपा पड़ा है, हमारे पीछे ये पड़ा है। अरे तो तू कोर्ट का इंतजार करो ना। अभी हम लोग समस्तीपुर के राधा कृष्ण मंदिर में हैं, ये छोटा जगत सिंहपुर है, पुनास पंचायत है, और हम लोग बैठकर यहाँ पर गुरुजी का जो है इंटरव्यू कर रहे थे, इनसे जानने का प्रयास कर रहे थे कि क्या इनके भी दिल में मनीष कश्यप बसते हैं।